पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके की पौश कॉलोनी लाजपत नगर के 81 परिवारों ने एक साथ अपनी कॉलोनी और घरों पर पलायन के पोस्टर लगाकर हड़कंप मचा दिया है। इनका आरोप है कि मुस्लिम लोग उनके घरों के सामने जानवरों के मांस और गंदगी फेंक कर उन्हें यहां से भगाने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही पलायन के खिलाफ सख्ती बरतने की बात क्यों ना करती हो, लेकिन मुरादाबाद के शहरी इलाके की लाजपत नगर की पौश कॉलोनी के लोगों ने अपनी कॉलोनी के मेन गेट पर ही बड़ा बैनर लगा दिया है, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि वो लोग सामूहिक रूप से पलायन कर रहे हैं। इन परिवारों ने कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक साजिश के तहत उनके मकानों के सामने जानवरों का मांस और गंदगी फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी बकराईद पर भी ऐसी ही साजिश रची गई। उन लोगों ने कॉलोनी के मुहाने पर मौजूद मकान को 3 गुना कीमत देकर खरीद लिया है और उसके बाद से सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिव मंदिर कॉलोनी के नाम से पहचान रखने वाली इस कॉलोनी के 81 परिवारों में सामूहिक पलायन की चेतावनी देते हुए सभी घरों के सामने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। परेशान हो चुके हैं यहाँ पे रह के, आसपास में इतना माहौल खराब होता जा रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। आते छोटे छोटे बच्चे, हमारी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, खेलती हैं, अब माएं कब तक साथ रहेंगी? आप बताओ, गली में से निकलते भी बदतमीजी कोई भी कर जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों का खेलना, लड़कियों का खेलना दुश्वार हुआ? उस दिन बकराई थी, टुकड़े इधर उधर सारी तरफ फेंके गए, ये क्या तरीका हुआ? गंदगी तुमने अपने घर में रखी, तुमने अपने घर में मनाई, तो टुकड़े यहाँ क्यों फेंके गए हैं? इस बात का किसी ने पूछा आज तक हमसे आके? तो क्या किया जाए यहाँ रह के? फिर ये बताइए, जब गवर्नमेंट हमारी सुनेगी नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी कंप्लेन कहीं भी नहीं सुनी जाती है। हम परेशान हैं इस वजह से, हमारे आसपास सारे मकान बिकते जा रहे हैं, अनाप शनाप रेटों पे मकान खरीदे जा रहे हैं, 3 गुने दाम दे दे के कहाँ से पैसा आ रहा है कुछ हमें नहीं पता लग रहा, और बेचे जा रहे हैं ये इस पे। अरे हमारे मंदिर से 200 मीटर इधर वाले गेट पे भी मकान बिक गया, उधर वाले गेट पे भी मकान बिक गया, ऐसे आते आते अंदर भी आ जाएंगे तो हम कहाँ तक रुकेंगे? इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा लगातार दुगने तिगने रेटों पे जिस संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ उसके 1.5 करोड़ 2 करोड़ दे करके संपत्तियाँ खरीदी जा रही हैं। हिंदू समाज के लोगों को धन का लालच दिया जा रहा है और लगातार संपत्ति खरीदी जा रही है। क्षेत्र में सामाजिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है और इसलिए हमने निर्णय लगाया कि हम जो सामूहिक रूप से इस मकानों को बेच के यहाँ से चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कितने परिवार हैं जो इसका निर्णय? इस क्षेत्र में शिव मंदिर कॉलोनी में 80 घर हैं, सभी लोगों ने सामूहिक फैसला करा के जब यहाँ पे ईद आएगी, बकरे कटेंगे, भैंसे कटेंगे, तो रहेगा कौन यहाँ पे, तो हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे सामूहिक रूप से बेच के मकान। ऐसी घटना कब और कैसे क्या हुई थी? ये बहुत समय से चल रही है, कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी कि हम यहाँ पे रहने नहीं तो करना क्या, फिर सामूहिक रूप से बेचो, जाओ यहाँ से। जगह तो दे दो भाई, क्या मुद्दा क्या था? मुझे डीएम साहब को बताना है, डीएम साहब को बताने के लिए उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता। नहीं सर, गोपनीयता क्या है? सारे पोस्टर लगे, फिर आप गोपनीयता की बात कर रहे हैं। तो आप जो है इसके बारे में जो आपकी क्या बात है पब्लिक से, मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये नहीं, पलायन का जो मुद्दा है उसका क्या समाधान निकला? ये जो पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, नो कमेंट्स। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।